अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत इस्लामिक टीवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शबे कदर यानी कि लैलतुल कदर की रात में कैसे इबादत करेंगे और इसकी शबे कदर की दुआ क्या है। तो दोस्तों, आइए सुन ले। हकीकत तो ये है कि इंसान इन रातों की निशानियाँ का परिचय कर पाए या ना कर पाए, बस वो अल्लाह की इबादतों, जिक्रो असकार, दुआ और कुरान की तिलावत में लगे रहे। इन दिन केवल अल्लाह को राज़ी कराने के लिए अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत करें। हमारे प्यारे आकाए अकरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतायत करें और अपनी क्षमता के अनुसार अल्लाह की खूब खूब इबादत करें और शबे कदर में ये दुआ अधिक से अधिक पढ़ते रहे। अधिक से अधिक अल्लाह से अपने पापों, गलतियों और हर गुनाहों पर माफ़ी मांगे। तो दोस्तों, अब सुन ले शबे कदर की दुआ। शबे कदर की दुआ हदीस पाक में आया है। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने आका ए अकरम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर मैं कदर की रात को पालूं तो क्या दुआ करूं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नक अफुबुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़ाफु अन्नी। दोस्तों, और एक बार सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नक अफुबुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़ाफु अन्नी। इसका उर्दू तर्जमा है, ए अल्लाह, आसानी से तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है, तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रात में नमाज के साथ साथ ये दुआ को भी पढ़े और खूब खूब दुआ मांगे, अल्लाह को राज़ी करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें और आप सबको इस पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के काम, लोगों के भलाई के काम, अल्लाह की इबादत और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप दिल से इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे तक शेयर ज़रूर करें और सवाब के मुस्तहक बने। और इसी तरह दीनी मालूमात वीडियो के अपडेट्स के लिए आप अभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सभी इसी प्रकार के दीनी इस्लामिक वीडियो के अपडेट्स आसानी से मिल सके। इसी उम्मीद के साथ अपना और अपना परिवार का ज़रूर ख्याल रखिए। दुआ की गुजारिश, जजक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।